मरीन वर्ल्ड में आपने शार्क और व्हेल की यूनिक स्किल्स, स्पेशल फीचर्स और हंटिंग टेक्निक्स के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आपका ध्यान कभी समुद्र की गहराई में क्रूरता से शिकार करने वाले जीवों पर नहीं गया होगा। ये वही जीव है जो अनोखी स्किल्स के मालिक होते हैं और छिपकर शिकार करने में इन्हें महारत हासिल होती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे ही सी क्रिएचर से रूबरू कराने वाले हैं जिनकी हंटिंग टेक्निक दुनिया में सबसे अनोखी है और इसकी बदौलत ही इनकी प्रजाति आज भी सरवाइव कर रही है। तो आखिर कौन है वो समुद्री जीव और आखिर कैसी है इनकी अनोखी हंटिंग टेक्निक, इसे जानने के लिए बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा हमारे आज के इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो के साथ। बॉबिट वॉर्म। समुद्र के गहरे पानी में रहने वाले बॉबिट वॉर्म बिल्कुल राक्षस जैसे होते हैं। ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए बेहद ही खौफनाक तरीका अपनाते हैं। पहले तो ये जीव समुद्र के तल में रेत में डीप बोरिंग करके अपने लंबे शरीर को नीचे गहराई में छुपा लेते हैं और सिर्फ अपने मुंह को बाहर रखते हैं। इनके मुंह से एक एंटीना जैसा स्ट्रक्चर बना होता है जो किसी सेंसर की तरह काम करता है। ऐसे में जैसे ही कोई मछली या फिर दूसरा जीव इनके आसपास से गुजरता है तो ऐसे में इनका ये सेंसर शिकार के मौजूदगी को भांप लेता है, जिसके बाद ये शिकार पर झपट पड़ते हैं और उसे अंदर गहराई में खींच ले जाते हैं। लगभग 10 फीट तक की लंबाई वाले बॉबिट वॉर्म को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके सामने शिकार आखिर कौन सा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतने बड़े शरीर वाले जीव को भोजन भी तो अच्छा खासा चाहिए होता है। ऐसे में इनके सामने चाहे आम मछली हो या खतरनाक स्टोन फिश, बॉबिट वॉर्म इन्हें अपना निवाला बनाने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करते हैं। इसके साथ ही बॉबिट वॉर्म के जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि कई बार तो ये अपने शिकार के दो टुकड़े कर डालते हैं। कोन स्नेल। कोन स्नेल के चमकीले रंग के खोल को पहली नजर में देखकर कोई भी इनकी ओर जरूर अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन उस इंसान को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि वह जिस चमकीले रंग वाले कोन स्नेल को छूने के बारे में सोच रहा है वह सबसे जहरीले और खतरनाक जीवों में से एक है। जी हाँ, ये जीव अपने शिकार पर हमला करने के लिए ये अपने सूंड जैसे मुंह का इस्तेमाल करते हैं और कोनोटॉक्सिन जहर को छोड़ते हैं। कोन स्नेल अपने घातक जहर का इस्तेमाल सबसे पहले शिकार को बेहोश करने के लिए करते हैं और जब शिकार इनके जहर से बेहोश हो जाता है तो ऐसे में ये अपने शिकार को बड़े ही चाव से अपना निवाला बना लेते हैं। कोन स्नेल का जहर इतना घातक होता है कि तकरीबन 700 लोगों को मारने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि कोन स्नेल का काटना बेहद घातक साबित हो सकता है, क्योंकि इनका जहर मांसपेशियों को पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है। इसके साथ ही कोन स्नेल को मरीन वर्ल्ड का सबसे खतरनाक जीव इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इनके जहर का कोई भी तोड़ मौजूद नहीं है। ऐसे में जब कभी भी आप घूमने के लिए समुद्री इलाकों का रुख करें तो कोन स्नेल को देखते ही इनसे दूरी जरूर बना ले, वरना आपको बेवजह के लेने के देने पड़ सकते हैं। स्टार गेजर फिश। सबसे अनोखे हंटिंग टेक्निक्स वाले समुद्री जीवों की लिस्ट में चलिए अब आपकी मुलाकात स्टार गेजर फिश से करते हैं, जो शिकार को अंजाम देने के लिए बिल्कुल अनोखी तकनीक का इस्तेमाल करती है। दरअसल इसके पास जानलेवा जहर के साथ साथ करीब 50 वोल्ट की इलेक्ट्रिक पावर भी पाई जाती है, जिसके मदद से पलक झपकते ही ये अपने शिकार को चारों खाने चित कर डालती है। यही वजह है कि ये मछली शिकार करने के मामले में बाकी की सभी मछलियों से बिल्कुल अलग होती है। इसके साथ ही इस मछली को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है इसके मजबूत पंख, जिसकी मदद से शिकार को अंजाम देने के लिए सबसे पहले ये समुद्र के अंदर रेत में खुदाई करके अपने शरीर को पूरी तरह से छुपा लेती है और फिर जैसे ही कोई शिकार इसके करीब आता है तो फटाक से ये उसे दबोच लेती है और महज एक सेकंड में ही उसे जिंदा निकल जाती है। सी एनेमोनी। इस अजीब से जीव को पहली नजर में देखकर आप इसे कोई पौधा समझने की गलती कर बैठेंगे, लेकिन ये कोई पौधा नहीं बल्कि खतरनाक सी एनेमोनी है। ये अपने शिकार को अंजाम देने के लिए समुद्र की गहराई में बसेरा बनाता है, जहाँ ये समुद्र की सतह से बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। ऐसे में बिल्कुल हम इंसानों की तरह ही दूसरे समुद्री जीव भी इन्हें पहली नजर में देखकर कोई समुद्री पौधा समझने की गलती कर बैठते हैं और फिर जैसे ही समुद्र में रहने वाले छोटी मछली या फिर कोई छोटा मोटा समुद्री जीव सी एनेमोनी के ऊपर से गुजरता है तो ये उन्हें एक झटके में ही अपने शिकंजे में जकड़ लेते हैं और पलक झपकते ही अपना निवाला बना लेते हैं। आर्चर फिश। जब कभी भी मछलियों का जिक्र होता है तो हमारी आंखों के सामने क्यूट सी दिखने वाली कुछ मछलियों की तस्वीर उभर आती है या फिर बेहद ही विशालकाय और खतरनाक मछलियों का ख्याल आ जाता है, लेकिन अब हम आपको जिस मछली से मिलवाने जा रहे हैं उसे आर्चर फिश के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये मछलियाँ दिखने में तो काफी क्यूट सी होती है लेकिन स्वभाव से उतनी ही खतरनाक भी होती है।
इनके अंदर एक ऐसी अद्भुत हंटिंग स्किल होती है जिसके दम पर ये अपने शिकार को बड़े ही अनोखे अंदाज से निशाना बनाती है। दरअसल इन मछलियों के लिए जब पानी के अंदर शिकार की कमी पड़ जाती है तो ऐसे में ये पानी के आसपास मौजूद झाड़ियों पर बैठे कीड़े मकोड़ों को अपना निशाना बनाती है। इनके ऊपर अटैक करने के लिए ये मछलियाँ अपने मुँह के अंदर पानी को भरती है और फिर इतने जोरदार प्रेशर से अपने शिकार के ऊपर फेंकती है कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते और पानी में गिर जाते हैं, जिसके बाद मौके की ताक में बैठी ये मछलियाँ एक झटके में ही इन्हें अपना निवाला बना डालती है। लैम्प्रे। अब जरा एक नजर इस जीव के ऊपर भी डाल लीजिए जिसे लैम्प्रे फिश के नाम से जाना जाता है। यह मछली अपने खतरनाक मुंह और दांत की वजह से ये बड़े बड़े जीवों का भी खून चूसने का मादा रखती है। हमारी इन बातों को सुनकर आप भी जरूर चौंक गए होंगे कि दिखने में ये छुटकू सी जीव भला इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। तो आपको बता दे कि लैम्प्रे फिश अपने भयानक मुंह के माध्यम से ऐसा कर पाते हैं क्योंकि इनके मुंह के अंदर कई छोटे छोटे नुकीले दांत होते हैं। इसके साथ ही इनकी जीभ के ऊपर भी कई दांत मौजूद होते हैं जिसकी मदद से ये किसी भी जीव के शरीर में चिपक कर अपनी पूरी पकड़ बना लेते हैं और फिर उनका खून चूसना शुरू कर देते हैं। कई बार तो आलम ये होता है कि ये खून चूसने के साथ साथ उन जीवों के शरीर पर से मांस तक निकाल लेते हैं। मोरे ईल्स। मोरे ईल्स की लगभग 200 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है जिनकी लंबाई तकरीबन 5 फीट तक हो सकती है। मोरे ईल को समुद्री दुनिया के सबसे डेंजरस शिकारियों में से एक माना जाता है। इसकी वजह है इनके मजबूत जबड़े। आमतौर पर किसी भी जानवर या मछली के पास सिर्फ एक जबड़े ही होते हैं, लेकिन मोरे ईल इकलौती ऐसी जीव है जिसके पास 2 अलग अलग जबड़े मौजूद होते हैं। एक बाहरी तरफ नुकीली दांतों से भरा हुआ जबड़ा और दूसरा मुंह के अंदर गले के पास पाए जाते हैं। ऐसे में जब ये किसी जीव का शिकार करती है तो सबसे पहले उसे अपने बाहरी जबड़े की मदद से कसकर दबोचती है। उसके बाद गले के पास मौजूद दूसरे जबड़े शिकार को अंदर की तरफ चीरते हुए निकल जाता है। मोरे ईल समुद्र के गहरे पानी में मौजूद चट्टान के दरारों में छिपकर रहना पसंद करती है ताकि अपने आसपास आने वाले किसी भी जीव पर घातक हमला कर सके। ये ज्यादातर ऑक्टोपस, मछलियां और सांप जैसे जीव पर हमला करती है, लेकिन कभी कभार ये समुद्र में गोता लगाने वाले गोताखोर पर भी हमला कर बैठती है। कटल फिश। मरीन वर्ल्ड में अपना बसेरा बनाने वाली कटल फिश भी अमेजिंग हंटिंग टेक्निक की मालकिन होती है। ये अपने बॉडी के कलर और पैटर्न को बदलने की अद्भुत क्षमता रखती है। कटल फिश के शरीर के अंदर खास तरह के स्किन सेल्स पाए जाते हैं जिसकी मदद से ये मछलियाँ अपने आसपास के माहौल के हिसाब से अपने शरीर के रंग और पैटर्न को बदल लेती है, या यूं कहे कि अपने आसपास के किसी भी चीज में खुद को पूरी तरह से ब्लेंड कर लेती है। फिर चाहे वो समुद्री पौधे हो या फिर समुद्र की सतह, ये मछलियाँ अपने शिकार को अंजाम देने के लिए तरह तरह के कलर्स और पैटर्न्स का इस्तेमाल करती है। और अगर इतने से भी इनकी बात नहीं बनती है तो ये कुछ इस तरह का प्रदर्शन करती है कि इनका शिकार पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो जाता है और फिर इस मौके का फायदा उठाकर ये मछलियाँ अपने शिकार को पलक झपकते ही अपना निवाला बना डालती है। मैंटिस श्रिम्प। वीडियो के अंत में आइए बात करते हैं मैंटिस श्रिम्प की, जो दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं स्वभाव से उतने ही आक्रामक भी होते हैं। हालांकि वैसे तो इस धरती पर झींगा की कई प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन मैंटिस श्रिम्प की तो बात ही निराली होती है क्योंकि लगभग 2 से 7 इंच तक की लंबाई वाले ये जीव साइज के मामले में भले ही काफी छोटे होते हैं, लेकिन अपनी जबरदस्त पंच के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इनके खतरनाक पंच की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सामने वाले के ऊपर प्रहार करते हैं और अपने एक वार से ही किसी भी जीव को धराशायी करने की ताकत रखते हैं। इतना ही नहीं, आम तौर पर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में पाए जाने वाले मैंटिस श्रिम्प अपनी आंखों की मदद से एक या दो नहीं बल्कि कई रंगों को बड़ी ही आसानी से पहचानने की काबिलियत रखते हैं। इसके साथ ही इनकी आंखों की दोनों पुतलियां एक ही समय में 2 अलग अलग डायरेक्शन में आसानी से काम कर सकती है, जिसकी वजह से ये एक ही समय में अपने चारों ओर देखने की क्षमता भी रखते हैं। अपनी इस खासियत की मदद से जहां ये न सिर्फ अपने शिकार को बड़ी ही आसानी से ढूंढ निकालते हैं बल्कि उसे अपना टेस्टी नाश्ता भी बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।